दोस्तों आज पुष्पा की टीम ने जिस तरीके से रश्मिका मंदाना का पहला लुक जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जब ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो नो डाउट रिकॉर्ड ही बनाएगी। तो भैया कैसा है रश्मिका मंदाना का ये लुक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया साउथ इंडस्ट्री के स्टाइलिश सुपरस्टार यानी कि अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पुष्पा के उस लुक से, जिसमें नजर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रश्मिका मंदाना। तो दोस्तों वाकई में एक नेचुरल ब्यूटी को किस तरीके से दिखाया जा सकता है नेचुरल तरीके से, भाई इसका जीता जागता उदाहरण आज पुष्पा की टीम की तरफ से रश्मिका मंदाना के लुक को जारी करके बता दिया गया है। यानी कि भैया सबसे पहले तो मैं सलूट करना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार को, जिन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है हम सभी के लिए। यानी कि भैया उनकी इस आने वाली फिल्म का जो भी अपडेट हम लोगों के सामने आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। आप जब इस पोस्टर में देखोगे रश्मिका मंदाना को तो भैया ऐसा लगता है कि सुबह सुबह अभी हुआ है, वो तैयारियां कर रही है घर के कामों की। यानी कि जब आप इस पोस्टर को देखोगे तो पीछे आपको दो चूल्हे नजर आएंगे, चूल्हे के ऊपर में दो बर्तन चढ़े हुए हैं यानी उसमें खाना पकड़ा है, और इधर रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती को निखारने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि एक मिरर जो है वो जमीन पर रखा हुआ है, उनके सामने में फ्लावर्स हैं और उसमें कुछ गहने हैं जिसको रश्मिका मंदाना पहन रही है। यानी कि उनका जो किरदार है इस फिल्म में उसको बहुत ही जमीनी स्तर पर दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि भैया ऐसा नहीं किया गया है इस फिल्म में कि भैया ये फिल्म किसी बड़े स्टार की फिल्म है, इस फिल्म में नजर आने वाली जो एक्ट्रेस है वो बहुत बड़ी स्टार है साउथ इंडस्ट्री की, तो वो कैसे जमीन पर रखकर फूल अपने माथे में लगा सकती, यानी कि वो गजरा जमीन पर कैसे उनका पड़ा होगा, कैसे उनके गहने नीचे पड़े होंगे, उनका मिरर कैसे साइड में रखा होगा। यानी कि अगर ये बॉलीवुड की फिल्म होती ना तो भाई घर को तो टूटा फूटा दिखाया जाता, लेकिन हीरोइन को ऐसा दिखाया जाता कि कहीं से भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि भाई ये जो हीरोइन है वो जंगल में रहती है। तो भाई यही खूबसूरती है साउथ इंडस्ट्री की, भैया वो अपनी कहानी के साथ में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते। यानी कि उनके फिल्मों में नजर आने वाले जो किरदार हैं उनके किरदारों को उसी तरीके से हम लोगों के सामने रखा जाता है जिस तरह की कहानी होती है। तो भाई वाकई में इन दिनों क्यों ये बात पूरी इंडियन ऑडियंस कह रही है कि भैया आने वाले दिनों में साउथ इंडस्ट्री जो है वो पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगी, तो उसका जीता जागता उदाहरण है साउथ इंडस्ट्री की आने वाली ये फिल्में जो कि भैया अपने क्रिएशन के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं रहते। यानी कि कहानी जैसी होगी, कहानी का किरदार जैसा होगा, उसका नेचर जैसा होगा, उसी तरीके से उस किरदार को सबके सामने रखा जाएगा। तो दोस्तों एक नंबर है ये लुक, मैं तो बोलूंगा एक नंबर है ये लुक, और ये फिल्म जब सिनेमा घर में आएगी तो नो डाउट बहुत ही धमाल मचाएगी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई अगर यही फिल्म बॉलीवुड की होती और इसी तरीके से बॉलीवुड के किसी एक्ट्रेस का पहला लुक जारी किया जाता तो क्या वो लुक इतने जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिलता, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।